आज मैं आया हूँ भाई बीच की तरफ। एक्चुअली मैं बहुत दिन हो गए थे भाई बीच की तरफ आए हुए। मैंने सोचा चलो भाई सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी भीड़ कम होगी, मस्त बीच पे साइकिलिंग वगैरह करेंगे एंड सनस्क्रीन लगा के भाई इधर पड़े रहेंगे। और क्या बाकी बंदे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हेलो सर, व्हाट आर यू डूइंग? अरे सर क्या कपड़े धो रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? अरे नहा रहे हो? क्या कर रहे हो सर? आपका सिक्का गिर गया? क्या गिर गया है? पता नहीं भाई वो बंदा क्या ही कर रहा है। बाकी कुछ बंदे ऐसे सिंपली तैर रहे हैं, कोई बंदा यहाँ पर बाइनोकुलर्स लगा के देख रहा है। बाकी यहाँ पर भाई मैं कह नहीं रहा, सुबह सुबह यहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है। ये देखो बंदे अपने यार सामान बिछा के चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं, काफी कम बंदे पड़े हुए हैं। वो हॉट डॉग का स्टॉल यहाँ पर बीच में लगा रखा है आपने भाई साहब? जरा हॉट डॉग देना प्लीज। खत्म हो गए? अबे यार मेरी किस्मत ऐसी है भाई, जिस चीज को लेने के लिए जाता हूँ वो चीज पहले ही खत्म हो जाती है। खैर इधर चलते हैं, इधर मिल जाएंगे हॉट डॉग अपने को आराम से। हेलो सर, अबे ले भाई हॉट डॉग बेचने वाला बंदा ही गायब है यहाँ से। क्या क्या होगा लॉस सैंटोस के इन हॉट डॉग वालों का? और भाई वहाँ कौन हॉट डॉग बेच रहा है? इतनी क्यों भीड़ लगी है वहाँ पे? हॉट डॉग नहीं बेच रहा है यार, फिर भी भीड़ लगी है, बंदे उछल कूद रहे हैं, क्या हो गया? एक सेकंड गाइस जरा चल के देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है वहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? इधर बीच में तुम लोग देखो भाई, कहीं भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ है। कुछ तो बात है, क्या बात है? लेकिन क्या हो गया भाइयों, कैसे इतनी भीड़ लगा रखी है भाई? क्या हो क्या गया यहाँ पे? पता नहीं तुझे भी। चलते हैं आगे की तरफ भाई। इस बंदे के लिए सब ताली बजा रहे हैं, क्या हो गया भाई? ये सब बंदे यहाँ पर इकट्ठा क्यों हैं? जरा मेरे को बताओगे हुआ क्या है यहाँ पर? ओके गाइस, तो सब कुछ मुझे पता चल चुका है। ये जो बंदा है सामने की तरफ, इसने भाई एक चैलेंज रखा है बहुत ही तगड़ा, एंड वो चैलेंज सुनने के बाद तुम लोग भी शॉक हो जाओगे। पहले तो मैं तुम लोगों को चैलेंज एक्सप्लेन करता हूँ। इस बंदे ने ये चैलेंज रखा है कि भाई एक घर है, एक बंगलो है, ठीक है, भूतिया बंगलो, एंड उसके अंदर हमें जाना है। उसके अंदर कोई कमला नाम की भूतनी है, उससे हमें उस बंगले के अंदर बच के रहना है एंड पूरा एक दिन सर्वाइव करके आना है। एंड उसके बाद जब हम लोग उस बंगलों से बाहर आ जाएंगे तो फिर ये बंदा हमें पूरे 50 करोड़ देने वाला है। यस लिटरली 50 करोड़ भाई। देखो भाई, वैसे तो सुनने में काफी डिफिकल्ट टास्क लग रहा है कि भाई कोई भूतिया बंगलो होगा, कमला नाम की भूतनी है, कोई खतरनाक भूतनी होगी, बट जरा तुम लोग सोचो यार, तुम्हें सच में लगता है लॉस सैंटोस के अंदर कोई भूतिया बंगलो होगा? होगा भी तो तुम्हें लगता है कोई भूतनी खतरनाक हो सकती है? वो भी ऐसी भूतनी जिसका नाम कमला है, वो खतरनाक हो सकती है? तुम्हें लिटरली में लगता है भाई? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए मैं तो भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तुम में से कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं भाइयों? कोई नहीं कर रहा, ठीक है सर जी। तो हटो हटो हटो, सामने से हटो सर। सर आपका ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नाम लिखो फ्रैंकलिन क्लिंटन, मैं जाऊंगा आपके उस भूतिया बंगलो पे, मैं सर्वाइव करके आऊंगा वहां पर एक दिन, एंड मुझे चाहिए वो 50 करोड़। बताओ सर, क्या दोगे आप 50 करोड़? क्या तैयार हो आप मुझे 50 करोड़ देने के लिए? बताओ सर। हेलो सर, बोलो कुछ तो। ओके, तो नाम हमारा रजिस्टर हो चुका है गाइस, एंड अभी सारी डिटेल्स यहाँ पर जब मैं शाम को आऊँगा तब ये बताएंगे भाई कि तुम क्या क्या अपने साथ ले जा सकते हो, कितने बजे तुम्हें उस बंगलो के अंदर जाना है, फिर वो कौन सा बंगलो है भाई, भूतिया बंगलो, उसका एड्रेस भी बताया जाएगा, मैं अपने साथ किसी को ले जा सकता हूँ कि नहीं ये बताया जाएगा। ठीक है सर, मैं कितने बजे आ जाऊँ शाम को? शाम को 6 बजे आना है। ओके आई एम ऑल रेडी। चलते हैं अभी यहाँ से गाइस अपने घर की तरफ। मैं थोड़ी तैयारियाँ कर लेता हूँ, क्योंकि देखो भाई ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तुम लोग सोचो भाई, कोई कमला नाम की भूतनी है, उसके बंगलो पर हम लोग जाएंगे, एक दिन सर्वाइव करना है। अब मैं पहले कह रहा था कि इजी होने वाला है, क्योंकि मेरे को लग रहा था उतनी खतरनाक भूतनी नहीं है, लेकिन तुम लोग जरा सोचो, उतने बंदे थे वहां पर, उतने सारे बंदों के पास 50 करोड़ कमाने का मौका था, लेकिन किसी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब वो सारे बंदे उस कमला नाम की भूतनी को अच्छी तरीके से जानते हैं यार, तभी तो किसी ने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। एंड इसका मतलब वो भूतनी जो है कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगी। अब पता नहीं वो भूतनी खतरनाक है या फिर उन बंदों को 50 करोड़ की जरूरत नहीं थी। जो भी रीजन हो, मैंने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे बस यहाँ पर शाम को 6 बजे आना है, वो बंदा मुझे उस बंगलो का एड्रेस देगा, मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस देगा एंड शायद स्टॉप वॉच वगैरह कुछ तो दे भाई, जिससे हमें पता चल सके हमारा एक दिन कम्प्लीट हो गया है। एंड सिंपली एक दिन कम्प्लीट होते ही हमें वहां से बाहर आ जाना है। इट्स डेड सिंपल भाई। अरे कैसे कैसे गाड़ी ठोक रही हो मैडम, आराम से चलाओ। कहाँ उड़ा दी यार मेरी बाइक, बताओ वहाँ कितनी दूर बाइक उड़ा दी। लॉस सैंटोस में पता नहीं बंदों को गाड़ी कब चलानी आएगी। मैं देखो कितनी बढ़िया तरीके से बाइक चलाता हूँ।
सीख जाओ तुम लोग, सुधर जाओ लॉस सैंटोस वालों। ओके देखो भाई, अभी तक उसने मेरे को परफेक्टली बताया तो नहीं है कि मैं क्या क्या सामान अपने साथ लेके जा सकता हूँ, बट मैं पहली जुगाड़ में लगने वाला हूँ। क्या पता वो कह दे कि यस भाई तुम वेपन ले जा सकते हो, क्या पता वो कह दे कि यस भाई तुम खाने पीने का सामान लेके जा सकते हो, तो मैं भाई पहली तैयारी कर लेता हूँ एंड इन सब सामान के साथ ही जाऊँगा मैं शाम को। अब अगर उसने हाँ कह दिया तो लेके चले जाएंगे, अगर ना कह दिया तो बिना लिए ही चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, जाके तो रहूँगा मैं और 50 करोड़ जीत के तो रहूँगा चाहे कुछ भी हाल हो जाए। लेट्स गो, देखते हैं अपने घर में क्या क्या सामान है खाने पीने का। मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता यार मेरे घर में कुछ ढंग का सामान होगा, ऐसे ही सब पुराना सामान पड़ा हुआ है। एक बार चल के देखते हैं अपने किचन में। ओके ये रहा अपना ओपन किचन। देखो डाइनिंग टेबल पे बंदों के फ्रूट्स होता है, मेरे कुछ भी नहीं है, कैंडल्स हैं बस। इधर भाई फ्रूट्स हैं, यस मेरे पास फ्रूट्स हैं, लेकिन ये पता नहीं कितने साल पुराने हैं, सड़ चुके होंगे शायद, फेंकता भी नहीं हूँ मैं, पड़े रहने दो। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है यहाँ पर, बियर बोटल्स हैं, इसके अलावा गैस वगैरह है, पिज्ज़ा का बॉक्स है जिसके अंदर एक स्लाइस पड़ा हुआ है, वो भी पता नहीं कितने महीनों से पड़ा हुआ है, उसे भी छोड़ो। मुझे नहीं लगता भाई मेरे घर में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है ले जाने लायक, मुझे सुपरमार्केट से सामान लाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ से ले जाने लायक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सुपरमार्केट चलते हैं, वहाँ से खाने पीने का सामान करते हैं, चिप्स बिस्कुट कोल्ड ड्रिंक, क्या पता यार कमला भूतनी जो है उससे अपनी थोड़ी वाइब मैच कर जाए एंड हम दोनों मिलके भाई चिप्स वगैरह का लुत्फ उठाएं। यस कुछ भी हो सकता है, क्या पता उस कमला भूतनी से अपनी दोस्ती वोस्ती हो जाए, है भाई खाना पीना देख के वो हमारी दोस्त बन जाए, कुछ भी हो सकता है, इन घोस्ट का नेचर कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए अभी सबसे पहले सुपरमार्केट चलते हैं एंड खाना वाना लेकर आते हैं, 24/7 स्टोर चलते हैं, हाँ वो ठीक रहेगा। लेट्स गो, पर कहाँ गया भाई 24/7 का स्टोर, मिली मेरा इधर ही तो हुआ करता था, ये रहा। अबे 24 नहीं है तो LTD वालों का स्टोर है, चलो कोई नहीं ये भी ठीक ही है, यहाँ पर भी ठीक ठाक सामान मिल जाता है। सो एज यू कैन सी भाई फ्रूट्स तो नहीं ले जाने वाला मैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की यहाँ से कैन वगैरह ले लेंगे, इसके अलावा यहाँ पर मिल्क नहीं चाहिए मुझे। यार सामान तो बहुत सारा है, देखते हैं चिप्स बिस्किट्स कुकीज़ एंड चॉकलेट्स और ओ चिप्स ये रहे, डोनट्स वगैरह ले लेंगे, डोनट्स भी हैं, ठीक है। सर मुझे बहुत सारा बल्कि कुछ ज़्यादा ही खाने पीने का सामान दे दो। ओके थैंक यू सर, बहुत सारा सामान हो गया यार, इतना सारा सामान कि मुझे एक बैग एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा है एंड उस बैग में मैंने ये सारा खाने पीने का जुगाड़ रखा है। खैर अभी ये तो हो गया, इसके साथ साथ हमें वेपन्स चाहिए, क्या पता वो बंदा वेपन्स ले जाने की परमिशन दे दे अंदर भूतिया बंगलों के, इसलिए वेपन्स भी मुझे खरीद ही लेने चाहिए एंड यही तो है भाई एम्यूनेशन की शॉप। चलो एम्यूनेशन, लेट्स गो। हेलो भाई साहब कैसे हो, हाल चाल, जरा वेपन्स दे दो तगड़े तगड़े वाले। ओके तो मैंने बहुत सारे बल्कि कुछ ज़्यादा ही वेपन्स ले लिए हैं, इतने ज़्यादा वेपन्स लेने नहीं चाहिए थे बट कोई बात नहीं, काम आ गए तो ठीक है, नहीं ले जा पाए तो बाहर ही रख देंगे। बाकी खाने पीने का जुगाड़ हो गया, वेपन्स का जुगाड़ हो गया, अब शाम के 6 बजने का इंतज़ार करना है यार, 6 बजे बुलाया उस बंदे ने मेरे को, ठीक है। और कुछ चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्या? आई डोंट थिंक और किसी चीज़ की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, नहीं सीरियसली में मुझे नहीं लगता, तुम लोग ही सोचो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो चीज़ है हिम्मत की भाई, यस उस भूतिया बंगलों में जाके हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बट अफसोस की बात है ये हिम्मत जो है किसी दुकान पे मिलती नहीं है। ओके अब मैं वेट करने वाला हूँ, ये बढ़िया से किसी बढ़िया से पार्क वार्क में चलते हैं यार वेट करने के लिए यहीं पे। अरे ये तो रहा मस्त होटल, यहीं पे जाके थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं एंड देन फिर शाम को 6 बजे चलेंगे बीच की तरफ। Let's go! शाम हो चुकी है एंड शाम के बज चुके हैं 6। वैसे एक सेकेंड, फ़ोन ले जा सकता हूँ क्या मैं उस बंगलों के अंदर? पता नहीं भाई क्या सीन है, 50 करोड़ जीतने के लालच में कहीं फंस ना जाऊँ बुरी तरीके से मैं, कहीं इसी बात की टेंशन है, बट आई डोंट थिंक मैं फंसने वाला हूँ भाई किसी भी तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला बंदा हूँ, वो डायरेक्टली आ गया मैं तो यहाँ पे। अरे ये सारे बंदे अभी तक खड़े क्यों हैं? ओके तुम लोग ये देखने के लिए खड़े हो कि मैं शाम को आता हूँ कि नहीं, ठीक है मैं आ चुका हूँ भाइयों, भाइयों और बहनें तो नहीं है, भाइयों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, यस एंड मैं सरवाइव करूँगा इस चैलेंज को, मैं कंप्लीट करूँगा इस चैलेंज को, तुम लोग टेंशन मत लो। हेलो सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका चैलेंज, बताओ खाना ले जा सकता हूँ क्या मैं अंदर? नहीं। ओके ओके कोई बात नहीं, वेपन्स ले जा सकता हूँ क्या मैं अंदर? बिल्कुल नहीं।
अबे यार नहीं भी कह रहा है, बिल्कुल नहीं भी कह रहा है। सर क्या फोन ले जा सकता हूँ मैं अंदर? अबे यार फोन के लिए भी मना कर दिया इसने, तो फिर मैं ले क्या जाऊँ? सर एटलीस्ट ये वॉच तो ले जा सकता हूँ मैं अपनी, घड़ी, वरना पता कैसे चलेगा। नहीं ले जा सकता मैं, ये भी नहीं ले जा सकता, इसने तो इसके लिए भी मना कर दिया। अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ मैं भाई? नहीं आ रहा भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना चाहिए। आई हैव नो आइडिया भाई, नहीं आइडिया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है भाई। प्लीज यार एक कुछ तो ले जान दे भाई, तूने वेपन के लिए मना कर दिया, खाना के लिए मना कर दिया, फूड वगैरह जो भी ले जा रहा है उसके लिए मना कर दिया, तूने फोन के लिए मना कर दिया, यार वॉच के लिए भी मना कर दिया, तू भाई कुछ अंदर ले जाने नहीं दे रहा है। एक दिन कब हो जाएगा मुझे अंदर, पता कैसे चलेगा, जरा बताएगा तू? ओके एक दिन हो जाने पे भाई तू बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज करेगा? ओके तो ये बंदा कह रहा है गाइस, जैसे ही एक दिन पूरा कंप्लीट होगा ये बाहर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज करेगा, एंड वही संकेत होगा भाई कि हमें बाहर निकलना है। यस वही सिग्नल होगा कि यस तुम्हारा एक दिन कंप्लीट हो चुका है एंड बाहर आ जाओ। तो ये सीन है, ठीक है भाई, तो एक दिन से ज़्यादा देर बाद मत ब्लास्ट करो भाई, जैसे ही एक दिन कंप्लीट हो प्लीज़ ब्लास्ट कर दो, ठीक है? ओके बाकी ये सब सामान वेपन सब यहीं रख देता हूँ मैं। ओके तो मैंने अपनी घड़ी भी निकाल दी है, फ़ोन भी दे दिया है, जो खाना लेकर आया था वो बैग भी रख दिया है, जितने वेपन्स थे मेरे पास, कितने सारे वेपन्स थे, सारे वेपन्स भी रख दिए हैं। सर ने एड्रेस दे दिया है एंड अभी हमें निकलना है भाई, काफ़ी दूर है वो जगह यहाँ से, आई गेस पहुँचने तक 12 बज जाएंगे रात के। आप डायरेक्टली वहाँ मिलोगे सर? ओके चलो भाई, ये बंदा हमें डायरेक्टली वहीं मिलेगा, देखते हैं भाई क्या उस कमला के घर में हम लोग सरवाइव कर पाते हैं या फिर क्या कर रहा हूँ मैं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। हाँ तो मैं कह रहा था देखना ये है कि क्या उस कमला के घर में हम लोग एक दिन सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। हमें करना कुछ भी नहीं है भाई, हमें सिंपली अंदर जाना है, थोड़ा बहुत उसके घर को एक्सप्लोर करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो एक्सप्लोर करेंगे, छोटा मोटा हुआ तो बस एक कोने में छुपे रहेंगे एंड फिर एक दिन जैसे ही होगा आ जाएंगे। इट्स दैट सिंपल भाई, इट्स दैट सिंपल। ओके आर वी रेडी? यस ऑफ कोर्स वी आर रेडी। चलो कहाँ चलो लेकिन? हाँ उस बंगले की तरफ चलो, बहुत दूर है यहाँ से, बहुत तेज़ बाइक भगानी पड़ेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो जो ऑर्गेनाइज़र था मेरे से कैसे पहले पहुँच जाएगा। होगी भाई उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता होगा या फिर मेरे से भी फास्ट कोई व्हीकल होगी, जो भी हो निकलते हैं जल्दी। उस लोकेशन पे जाना था मैं फ़िलहाल पहुँचने वाला हूँ गैस, एंड वो लोकेशन इधर कहीं तो है, पहुँचने वाले हैं। यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है, लोकेशन ऑलरेडी उस बंदे ने दे दी थी, उसने कहा था लोकेशन पे पहुँच के मैं तुम्हें मिलूँगा, तो ठीक है यहाँ पे पहुँच के वो कहाँ है? ओ ये रहा, ओके तो ये बंगलो है, भूतिया बंगलो, ठीक है। अरे यहाँ पे तो आ रखा हूँ कई कई बार, हाँ वो बात अलग है, घर के अंदर नहीं गया मैं आज तक, ठीक है सर सिंपल इजी सरवाइव कर लूँगा, यहाँ पर तो कई बार आया हूँ, मैंने डरता कमला से। ये नहीं है वो घर, तो फिर कौन सा है? आगे है तो चलो आगे चलो। अच्छा आप लास्ट यहीं तक रहोगे मेरे संग, अच्छा तो ठीक है सर। टाइम क्या हो रहा है? रात के एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। ओके तो मेरा टाइम शुरू हो चुका है, मैं जाऊँ फिर? ठीक है मुझे एग्जैक्ट बताओगे आप एक दिन कंप्लीट होते ही बॉम्ब ब्लास्ट करोगे, ठीक है ये तो मेरे को पता है, पैसे आप यहीं पर दोगे? ओके एंड ये बताओ मुझे कि बस मैं वहाँ पर छुपे रहूँ तो वो कमला आके पकड़ सकती है? चांसेस हैं, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, आप यहीं रहना। ओ भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा मिशन है ये, 50 करोड़ के लिए ये सब करना पड़ रहा है, करना पड़ता है भाई। ओके लेट्स गो, बाइक मैंने वहीं पर छोड़ दिया, इतना हमें एरिया पैदल ही ट्रैवल करना पड़ेगा एंड आगे की तरफ ये वो घर। लेट्स सी गाइस आखिरकार कैसा हमें घर देखने को मिलता है उस कमला का। एंड ये जो नाम है भाई, नाम से तो उतनी भूतनी डरावनी नहीं लग रही है, बट क्या रियल में वो भूतनी डरावनी है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं आगे, कम ऑन फास्ट, लेट्स गो, चलते रहो। ओके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं, आगे बढ़ो चलो। सामने क्या है? हिरण। ओके हेलो, अबे हिरण भाई तुझे डर नहीं लगता? ओ भाई वो रहा वो भूतिया बंगलो, पहुँच गए शायद, हाँ यही है भाई, यहीं पर हमें वो कमला द घोस्ट मिलेगा भाई, मिलेगी आई गेस। ओके हाँ भूत नहीं है वो, भूत थोड़ी ना है, डर लग रहा है भाई अभी फिलहाल। फर्स्ट पर्सन व्यू मैंने ऑन कर लिया है ताकि हमें सब कुछ क्लियर दिख सके। यस गाइस ताकि एकदम क्लियर दिख सके कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया मेरा, पता नहीं भाई। ओ तेरी जिस हिसाब से इधर रेड कलर की ये लाइट्स वगैरह जल रही हैं डर लग रहा है। ओए आवाज़ें कैसी आ रही है भाई, इधर डरावनी डरावनी, क्या होने वाला है भाई अंदर जाके, पता नहीं। फिलहाल मैं इस जगह को, घर को पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खिड़की विड़की सब बंद है, मेन गेट शायद उधर की तरफ ही था। काफ़ी बड़ा घर है यार, इधर तो मैं पहले कभी आया ही नहीं हूँ, नहीं सच में मैं पहले कभी भी इधर नहीं आया हूँ भाई।
काफी डरावना घर है, काफी बड़ा है एक तो ये घर भी। ओके आई गेस गाइस दिस इज द टाइम, तुम लोग एक काम करो, लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं तो चला। अब ये पता नहीं कि अंदर जाने के बाद वापस बाहर आ पाऊंगा कि नहीं, बट मैं तो चला भाई। ये रहा मेन गेट इस घर का, आर यू रेडी, लेट्स गो। ओके ओके आ गया। और भाई अंदर से कैसा है ये, कितना अंधेरा है। हेलो, अरे भाई, ओ कमला भूतनी, कमला द घोस्ट। ओ तेरी, ओ भाई अचानक से बहुत ही खतरनाक आवाज आई है, पता नहीं किसकी आवाज थी ये, शायद कमला की, जिसकी भी हो मैं तो बहुत बुरी तरीके से डर गया, एंड मैं तो इस टेबल के नीचे छुप चुका हूँ भाई, बहुत तेज आवाज आई है मेरे को, मैं तो इधर ही छुप चुका हूँ भाई। ये 50 करोड़ वाला चैलेंज लेके मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी भाई, मैं तुम्हें बता रहा है सच में, मैंने ये 50 करोड़ वाला चैलेंज लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी भाई। उसके घुंघरू की आवाज आ रही है, उसके पैरों में जो पायल है उसके घुंघरू की आवाज आ रही है भाई। ओ तेरी, ओके 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 ठीक है भाई, एक दिन कैसे सरवाइव होगा इधर, मैं अभी नहीं भाग सकता क्या, फिर 50 करोड़ नहीं मिलेंगे। पता नहीं अब दरवाजा उसने बाहर से बंद कर दिया होगा कि नहीं, लेकिन वो बोल रहा था बंगलों तक नहीं आएगा वो, पता नहीं मेरे को क्या करना चाहिए अभी। मैं तो छुपा हुआ हूँ भाई, मैं भले इस कमला के घर में आ गया लेकिन मैं 50 करोड़ लेके ही जाऊंगा, मैं तो छुपे रहूंगा पूरे दिन, मेरे को क्या है, मुझे वैसे भी 24 घंटे सर्वाइव करने हैं। बाहर निकलते हैं जरा। हेलो जी भाई, मैं इधर छुपा हुआ था, बच गया, कहाँ चले, अंधेरा एक तो इतना है यार इस घर में, अंधेरा इतना क्यों है। अरे छुपने की एक और जगह मिल गई, वाओ छुपने की जगह देते रहो मेरे को, मैं छुपता रहूँगा बस। अंधेरा वैसे इतना क्यों है भाई, प्लीज़ थोड़ा सा तो उजाला कर दो घर में। अरे भाई मैं पहली बार आया हूँ इस घर में, उजाला करो मेरे लिए, थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ करो। हेलो, मैं वापस छुप रहा हूँ, मेरे को पता नहीं गाइस क्यों छुपने में मज़ा आ रहा है भाई इस कमला के घर में, मैं तो छुपे छुपे पूरी ज़िंदगी निकाल दूंगा। और बताओ तुम लोग, मेरे को कुछ भी करके 50 करोड़ चाहिए, मेरे 50 करोड़ मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा हाथ से। वो घंटी है इधर बच के, 50 करोड़ मैं बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा भाई किसी भी कीमत पे। ओ भाई उसके पैरों की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है, ओ नो और तेज़ आ रही आवाज़, छुपो इधर कहीं, तो कहाँ आ गया मैं पता नहीं, छुपो, मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लग रही है भाई, छुपे रहो शांति से बिना किसी दिक्कत के। वैसे भी अपने को एक दिन गुजारना है, मैं एक कबर्ड बढ़िया से सेलेक्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे पूरे दिन छुपा रहता हूँ मैं, जैसी ब्लास्ट की आवाज़ आएगी चुपचाप निकल जाएंगे, सिंपल। लेकिन ये जीने दे तब ना भाई, आवाज़ें भी तो इसकी डरावनी सी है। चलते हैं फिर से बाहर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो कहने का मतलब, घर को। अरे लैम मेन गेट पे आगे बाहर जाऊँ, अभी नहीं खुल रहा यार, लगता है उसने लॉक कर दिया बाहर से। क्या सीन है, मैं क्या करूँ इधर, एक दिन कैसे निकालूँ मैं आगे भी तो नहीं बढ़ रहा। आगे चलते हैं ज़रा, जगह एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ओके इधर भी घंटी है, अगर घंटी बजा दिए तो वो शायद आ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। ओहो पेटी है यहाँ पर, इसको ओपन के लिए पासवर्ड चाहिए। ओ बाथरूम भी है यहाँ पे, कमला आंटी से छुपने के लिए बाथरूम भी है। वैसे ये कैसे दिखने में, एक बार देखना तो बनता है, घंटी बजाते हैं जरा, तो क्या आने दो, देखते हैं वो है कैसी, पता तो चले कोई बुढ़िया है या फिर क्या है, आंटी है लेडी है। हेलो आवाज़ आ रही है पैरों की, पायल की आवाज़ आ रही है भाई फुल ऑन। ओके ओके ये तो दुल्हन लग रही है भाई, वो गाना गा रही है भाई, भाई लग तो वो दुल्हन नहीं रही है। ठीक है चलते हैं बाहर। हेलो आप इधर ही तो नहीं हो, नहीं वो गई शायद भाई, एक तो अंधेरा इतना है इस घर में, वो इधर ही है, वो रही जा रही शायद, नहीं इधर नहीं है, पता नहीं किधर है वो। चलो बिंदास ये कहाँ आ गए, ओ वो रही आगे गई, मेरे जस्ट आगे गई वो। मैं इधर चला, मैं किधर चला, मैं कहाँ चला, मैं अटक गया, इधर चलते हैं, इधर क्या है। हेलो बहुत सारे दरवाजे हैं, इन दरवाजों से कहाँ जाना है कोई आइडिया नहीं है, कहीं तो आ गया भाई, हवन वगैरह हो रहा है यहाँ पे भाई, ये दुल्हन है एक बहुत ही खतरनाक डरावनी दुल्हन, घोस्ट ब्राइड घोस्ट। ये खोलो दरवाज़ा, ये एक तो इसके घर में इतना अंधेरा क्यों है, कमला नाम है पता चल गया भाई, कमरे के बाहर लिख रखा है कमला। अरे कहाँ है तू, नॉर्मल भाई भूत ढूंढते हैं बंदे को, मैं भूत को ढूंढ रहा हूँ, बताओ कमला कहाँ है तू, बुलाऊँ क्या अभी से, मौत करीब है, किसकी तेरी और किसकी, मैं पता नहीं कहाँ आ गया। कमला, कमला दुल्हन, कमला घोस्ट, कमला ब्राइड, कहाँ हो आप, आओ इधर आओ, फुल ऑन आवाज़ कर रहा हूँ मैं,
भाई अचानक से सामने से ही आ गई, तो वो आवाज तो आ रही है उसकी, सामने से ही आ गई भाई ये तो। मुझे तो लगा भाई कमला मार देगी, लेकिन उसने मुझे एक जगह पे कैद कर दिया है। मेरे 50 करोड़ अभी भी सेफ है। अरे एक दिन कब होगा यार, मेरे को जल्द से जल्द भागना है यहाँ से प्लीज। वो ये तो ईंट गिरा रहा हूँ मैं, उस तक आवाज पहुंच जाएगी, ट्रैप करा है उसने मुझे। भागना तो लेकिन है ही अपने को। चलो वो आ रही है, भागो, छुपो। ओ बच गए, उसकी आवाज आ रही है पायल की, शायद उसने देख लिया है, वो इधर ही आ गई है। इधर ही है। ये तो कह रही है मैं कोई बुढ़े से नहीं डरती। मैं बाहर निकल गया, मैं फिर से छुप गया। उसने देख लिया शायद। मैं जस्ट अभी बाहर निकला, वो वापस मुड़ के आ रही है। देख लिया क्या? कमला द घोस्ट, कमला डरावनी दुल्हन, भूतनी दुल्हन, बाहर नहीं जान दे रही है भाई, इधर ही भटक रही है। मैं क्या करूं, मैं भागा। एक दिन तक कोई कोना ढूंढना पड़ेगा भाई, वहां जहां मैं छुपे। भाई मैं एक दिन गुजार सकूं भाई, ये क्या क्या अजीबोगरीब चीजें हो रही है, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो पीछे से आ रही है। हेलो। यार उसने फिर से मुझे कहीं बंद कर दिया। ये घोस्ट है भले ही, ये जो दुल्हन है, ये जो घोस्ट है, भले ही घोस्ट है खतरनाक, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तुम लोग देखो भाई, ये मार सकती है मुझे, लेकिन ये मुझे जीतने का मौका दे रही है भाई। 50 करोड़, ये देखो यहाँ पर इसने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया है। ये क्या इसकी शक्ल पता नहीं, लेकिन इस कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकालने वाला हूँ यहाँ पे। वैसे भी अपने को एक दिन यहाँ पर रहना है, उसके बाद यहाँ से निकल लेना है। तो एक दिन तक इस कमरे के अंदर बंद रहते हैं, जब थोड़ा मुझे लगेगा कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ से चुपचाप निकल लेंगे, ब्लास्ट की आवाज आएगी, भाग लेंगे बस। यही करूंगा मैं तो यही करने वाला हूँ, मैं तो यहीं रुकने वाला हूँ गाइस। एक दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं बीतने का, बस जैसे ही मेरे एक दिन हो, मैं बहुत तेजी में भागने वाला हूँ यहाँ पे। तो रुके रहते हैं यहीं पे, या फिर निकलूँ मैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ओके गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसी कमरे में बंद हुए, मुझे लग रहा है काफ़ी घंटे हो चुके हैं। एक दिन तो नहीं हुआ होगा, बट घंटे काफ़ी हो गए हैं। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जैसा कि इसने यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कुछ लॉक कर रखा है बाहर से, तो हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक छाता चमक रहा है, इससे हम लोग दरवाजे को ओपन करेंगे। हेलो कैसे, इस तरीके से, एंड बाहर निकल जाएंगे। पहले तो छुप जाओ, ब्लास्ट भी तो नहीं वो कर रहा है। एक दिन कब होगा, ब्लास्ट कर दे यार, एक दिन जल्दी पूरा हो जाए, कब करूँगा एक दिन पूरा। थोड़ा बाथरूम में चलते हैं, थोड़ा शांति से आगे चलते हैं। ये कमला जो घोस्ट है, ये इतनी जल्दी आ भी तो जाती है भाई, एक पता नहीं क्या है ये, एक तो दौड़ती इतना तेज है, अभी मैं घंटी बजा देता। बज गई, फिर से घंटी बज गई। भागो, मैं कहाँ जाऊँ, भाई साहब घंटी मैंने फिर से गलती से बजाई दी, शायद उसने मेरी आवाज़ सुन ली है, शायद उसे पता है मैं हूँ कहाँ, शायद वो इधर ही आ रही है। क्या वो इधर ही आ रही है। प्लीज़ यार ब्लास्ट कर दे भाई मेरे, एक दिन कब होगा, मेरे को 50 करोड़ जीतने हैं, कर दे भाई। ओके नहीं आई वो इधर, लकीली इधर नहीं आई है वो, बच गए हम लोग, यस बच गए। वो ब्लास्ट भी नहीं कर रहा है यार वो बंदा, एक दिन पूरा ही नहीं हो रहा भाई। वो इधर ही है, उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है, पायल में जो घुंघरू लगे हैं उसकी आवाज़ आ रही है। अरे कितना ज़ोर से चिल्ला रही है, एक तो पता नहीं है क्या क्या बोल रही है उल्टा सीधा भाई। ओके गई, नहीं अभी भी यहीं है, जाना। ओके गई, चलो भाई, पता चला इधर ही धप्पा कर दे वो, हैं क्या पता वो ड्रामा कर रही हो कि हाँ भाई मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, एंड रियल में हो वो यहीं पर। ऐसे भी हो सकता है भाई, भूत नहीं है वो, दिमाग भी है उसके पास फुल। उठते हैं जरा इधर बेड के नीचे, अबे बजा दे यार ब्लास्ट की आवाज़ कर दे, एक दिन कंप्लीट कब होगा इसमें। एक दिन नहीं बीत रहा भाई इस दुनिया में, तो एक दिन ही नहीं बीत रहा। छुपो, इधर ही आ रही है क्या? हाँ इधर ही आ रही है वो इधर ही आ रही है भाई, आवाज़ आ रही है वो इधर ही। एक दिन नहीं हो रहा भाई यहाँ पे, पता नहीं कब वो ब्लास्ट की आवाज़ करेगा और मैं कब इस घर से भागूं जल्दी। आजा कह रही है ये, मैं तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। वो है यहीं पे या गई? एक तो अंधेरा इतना है यार। 50 करोड़ जीत के रहूँगा मैं 50 करोड़। भागो, फिर से जगह बदलो, मैं लोकेशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ। तुम लोग सोच रहे हो लोकेशन चेंज करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसको पता चल जाता है भाई, इसको पता चल जाता है मैं हूँ कहाँ। जैसे कि अभी यहाँ पर हूँ मैं, एंड उसे डेफिनेटली पता चल गया है, एंड मैंने घंटी बजा दी। भागो, लास्ट की आवाज आ रही है, भागो जल्दी बाहर। ओ भागो भाई, जल्दी भागो भाई, ब्लास्ट की आवाज़ आ गई थी, एक दिन हो गया है, अब निकल लो, अब नहीं रहना मेरे को।
भाई उस भूतनी ने मेरे को कई बार पकड़ लिया, हालत खराब कर दी इस कमला ने। तो शुरुआत में जब मैं एंटर कर रहा था इस घर के अंदर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा भी कुछ खतरनाक सीन होने वाला है, ये घोस्ट इतनी खतरनाक होने वाली है। लेकिन नहीं भाई, वो बहुत ही खतरनाक है। एक तो उसकी डरावने की आवाज, भाई मैं तुम्हें मार दूंगी, शर्मा क्यों रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, उस आवाज ने एक अलग ही दुखी कर रखा था। फिर ऊपर से ये अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं भाई वहां पर, फिर अलग ही हमें टास्क कंप्लीट करना है। मैं तो सिर्फ उस भूतनी से छुपा रहा, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, थोड़ा बहुत घर को एक्सप्लोर किया कि आखिरकार घर में क्या क्या है। काफी बड़ा घर था, एक तो काफी बड़ा घर है, कंफ्यूजिंग घर है, पूरा भूल भुलैया है भाई, मेरे को नहीं रहना। एक दिन मेरे कंप्लीट हो गया, ब्लास्ट की आवाज आ गई थी, मैं बाहर आ गया, 24 घंटे कंप्लीट हो गए। वैसे एक सेकंड, अभी भी रात क्यों हो रही है? अच्छा हाँ, कल रात को 12 बजे आया था एंड ये आज रात के 12 बज चुके हैं। ओके, एक दिन कंप्लीट। अब जल्दी से चलते हैं भाई, मेरे को अब वापस नहीं जाना है। भाई मेरे 50 करोड़ दे यार, मैं निकलूं। भाई मैं निकलूं यहाँ से। ओ भाई, जिंदा बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। कई बार उसने जब पकड़ लिया, मेरे को लगा अब तो मैं गया, बट दिमाग लगा के भाई हम लोग वहां से निकल ही गए। लास्ट में ब्लास्ट की आवाज का इंतजार कर रहा था, दरवाजा खोल के आ गया मैं। हेलो भाई, मेरे पैसे दे यार, 50 करोड़ तैयार रखे हैं, ठीक है दे फटाफट। बाकी गाइस, आज की वीडियो तुम लोगों को बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। एंड तुम लोग बताओ यार, क्या मुझे उस कमला द घोस्ट को, जो अंदर भूतनी थी, उसको मारने का ट्राई करना चाहिए? मैं तो नहीं करने वाला भाई, मैं बिल्कुल उससे दोबारा मैं मिलना भी नहीं चाह रहा, उसकी शक्ल नहीं दोबारा देखना चाह रहा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।